अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हवाई बिहार की दुनिया। आज हम कंपैरिजन करेंगे YBZ और CG125 होंडा का जो है, कि उनमें से कौन सा अच्छा है और हमें कौन सा लेना चाहिए। उसमें से हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन सी उसमें सही है या कौन सी चीज़ ख़राब है उसमें। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो फिर वो जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको ना पहुँच जाएगी, और बेल आइकन भी दबा दें साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हम अपनी। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है टायर। जो YBZ के टायर हैं वो 125 से, ये फ्रंट टायर जो है वो 125 से चौड़ा है। साइज़ में सेम है सेम रिम, लेकिन 125 से चौड़ा है। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। और पिछला जो टायर है वो 125 का छोटा है और चौड़ा भी कम है। तो इससे जो इसके टायर की चौड़ाई है, इसकी वजह से 125 की जो है वो ग्रिप बिल्कुल नहीं है। वो 70-80 से ऊपर जाते ही वो बहुत ज़्यादा डोलने लग जाता है, मतलब हिलने लग जाता है। और YBZ 100 से ऊपर भी नहीं डोलता, फुल स्पीड देते हैं तब भी इसको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 125 का वेट भी कम है। और दूसरी चीज़ आ जाए तो मीटर, जो YBZ का मीटर है, इसमें हमें ये जो मीटर ज़ीरो करने का ऑप्शन भी मिलता है, हमें फ्यूल गेज भी मिलती है, हमें गियर इंडिकेटर भी मिलता है कि हमारे कितने गियर लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने अभी बताई हैं वो 125 में नहीं है। और तीसरी चीज़ ये शॉक्स, YBZ की शॉक्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और बैक शॉक्स भी देख लें, 125 की बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है, बहुत झटके लगते हैं उस पर। मैंने वो ऑन किया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे पास पहले CG125 था। और चौथी बात आई पावर की, तो पावर मैं नहीं समझता कि CG125 में ज़्यादा है। मुझे तो दोनों में बिल्कुल ही बराबर लगी है, बल्कि कभी कभी मुझे YBZ की ज़्यादा लगी है, क्योंकि मैंने जो डग ऑफ वार किया था, जो सबसे पहली वीडियो है मेरे चैनल पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कि किस में बाइक में ज़्यादा जान है, और हम समझ सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि जो YBR के पहले मॉडल आए हैं, जो 2018 के शुरू में आए हैं, उनसे पहले मॉडल 15 से 18 तक जो मॉडल आए हैं उनमें पावर कम है। लेकिन अब ये समझना सही नहीं है कि अब वाले मॉडल जो आ रहे हैं उनमें भी पावर कम है, इनमें पावर बहुत ज़्यादा है। और चौथी चीज़ होती है लुक्स, और पांचवी चीज़, तो ये लुक्स में YBZ 100% अच्छा है 125 से। और दूसरी चीज़ एक और जो है जी 125 में, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है साउंड। साउंड है नो डाउट, अच्छी साउंड है उसकी, लेकिन अब जो यामाहा ने जो साउंड मुतारिफ करवाई है वो भी कम नहीं है 125 के साउंड से, बल्कि ज़्यादा मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इसमें ना। तो मैं आपको अभी साउंड टेस्ट भी करवाता हूँ इसकी। हमने साउंड टेस्ट को करना ही है, इसकी फ्यूल गेज भी चेक कर लेते हैं। ये फ्यूल गेज जी ऊपर जा रही है जी, आपका भाई अमीर हो गया, आज पेट्रोल फुल है। तो अब हम जाते हैं साउंड टेस्ट की जानिब। ये था जी साउंड YBZ का। और एक और चीज़, क्योंकि मैं याद नहीं रख पा रहा कितने डिफरेंस है, हर चीज़ YBZ की बेहतर है CG125। इसकी हेडलाइट बहुत ही ब्राइट लाइट, इसका स्टॉक बल्ब भी बहुत ब्राइट लाइट है, ब्राइट विजिबिलिटी करता है रात को बहुत ज़्यादा। और इसकी लुक्स भी बहुत ही प्यारी है, ये देख सकते हैं आप। ये रिंग नहीं आता,
ये मैंने बाद में लगवाया ताकि थोड़ा ज़्यादा लुक्स में अच्छा लगे। तो 125 था मेरे पास, रात को उसकी बिल्कुल ही विजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बहुत थोड़ी सी है इसकी, तो बहुत ही ज़्यादा बहुत दूर तक थ्रो करती है लाइट ये इसकी हेडलाइट ना। और एक और चीज़ जो है वो इसकी जो कार्बोरेटर फ्यूल एवरेज, फ्यूल एवरेज 125 जब मेरे पास था तो मुझे उसने दी थी 33 सिटी में, और YBZ 45 दे रहा है मुझे सिटी में, तो लॉन्ग पे यकीनन और ज़्यादा देगा, तो इसका ये भी है। और इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, 125 में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और ये इसको आप फुल स्पीड में ले जाएं, इसमें ज़रा सी वाइब्रेशन नहीं आएगी, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, आप जितना मर्जी किलोमीटर सफ़र कर लें आपको मज़ा ही आएगा, ये नहीं फील होगा कि मेरे हाथ कांप रहे हैं या मैं खुद कांप रहा हूँ या बाइक कांप रहा है, बिल्कुल स्मूथ चलेगा 5th गियर के बाद। तो यही थे इसके कंपैरिजन वीडियो, तो आगे आप ही इसका अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब में YBZ आगे है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप YBZ लें, बहुत ही सोबर बाइक है, इसकी सीट एक सीट रह गई, इसकी सीट भी बहुत कंफर्टेबल है इसकी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबाना है आपने अगर आपको नहीं पता, तो ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।